आज हम देखेंगे मोशन लेक्चर 7, ठीक है। और आज हम कवर करने वाले हैं ग्राफ्स एंड देयर यूजेस। देखो स्टूडेंट्स, क्या है मोशन चैप्टर के लिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें ग्राफ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ग्राफ जो है ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और बहुत ही आसान होता है ग्राफ से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। एक ही न्यूमेरिकल को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ मालूम है तो ग्राफ की मदद से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राफ्स का क्या इंपॉर्टेंस है मोशन चैप्टर में, और कैसे उसका यूज करके हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। ये क्या होता है, इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स पोजिशन, देन द ग्राफ ऑब्टेंड, देन द ग्राफ ऑब्टेंड इज नोन एज पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कि एक स्टेट रोड है, ठीक है, एक स्टेट रोड है, और यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर मतलब वो जो मोशन को ऑब्जर्व करता है, ठीक। यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। ये क्या देखता है कि एक कार है, जो चल रहा है, ठीक है। जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होता है या जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन बताते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और ओरिजिन में हमेशा वैल्यू जीरो रखा जाता है, ठीक है। अब उसने देखा कि जब टाइम जो था वो जीरो सेकंड था, तब वो कार का पोजीशन ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जब देखा कि टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो गया, तब ये कार यहां से चल के यहां चला आता है, ठीक है। कार यहां से यहां चला आता है, ठीक। यानी अपनी अब उसका पोजीशन 4 मीटर हो गया है ना, ओरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन भी बताना होगा, तो ईस्ट की तरफ, ठीक है। फिर 1 सेकेंड बाद उसने देखा कि कार जो है वो 8 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, ठीक है। फिर 1 सेकेंड बाद वो देखता है, यानी टाइम जब 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। फिर टाइम जब
थ्री सेकेंड हुआ तब जो है वो कार यहां चला आता है, ठीक है। यहां पे 10 होगा, ये 11 मीटर पे चला आता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो, है ना, टाइम जब 0 सेकंड था तो उसका पोजीशन था 2 मीटर पे, टाइम जब 1 सेकंड हो गया तो उसका पोजीशन था 4 मीटर ईस्ट की तरफ, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो उसका पोजीशन हो गया 8 मीटर ईस्ट की तरफ, और जब टाइम 3 सेकंड हो गया तब उसका पोजीशन था 11 मीटर ईस्ट की तरफ, यानी कि वो ईस्ट की ही तरफ जा रहा होता है। तो हमें क्या करना है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है। तो चलिए यहाँ पे जो टाइम दे दिया है अब हम पोजीशन दिखाते हैं, ठीक है। पोजीशन को आमतौर पे एक्स से दिखाया जाता है, ठीक है, एक्स से भी दिखा सकते हैं या और भी कोई लेटर से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जब टाइम 0 था तो कार कहाँ था, 2 मीटर पे था, जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो कार का पोजीशन 4 मीटर पे था, जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो कार का पोजीशन 8 मीटर पर, जब टाइम 3 सेकंड हो गया तो कार का पोजीशन था 11 मीटर पे। तो ये जो हम पोजीशन दिखा रहे हैं ये दिखा रहे हैं इन मीटर, और टाइम जो दिखा रहे हैं वो है इन सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ खींचना है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी कोई ग्राफ खींचा जाता है तो हमें 2 एक्सेस की नीड होती है ना, और वो दोनों एक्सेस एक एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी क्या क्या है, टाइम और पोजीशन, ठीक है। तो जब भी हम कोई ग्राफ खींचना चाहेंगे पहले हम क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे टाइम है, टाइम को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक है, टाइम इन सेकंड, और पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं, पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। एक इस चीज में है, पोजीशन इन मीटर में है ये, ठीक। तो जब टाइम 0 था, यहां दोनों चीजें 0 होती है, पोजीशन भी और टाइम भी। तो जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी कार की, 2 मीटर, ठीक है। तो हम पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्केल चूज करेंगे जिसमें 11 है, तो हम उससे कुछ ज्यादा ही मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए 2-2 का मार्क करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और टाइम 3 सेकंड है तो इससे एक ज्यादा ले लेते हैं 4 तक, 1, 2, 3। अब हम इस डाटा को यहां प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए प्लॉट कैसे करते हैं, टाइम 0 है तो पोजीशन है 2 मीटर, तो टाइम 0 यहां पे है और पोजीशन 2 यहां पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया। थोड़ा मैं ग्राफ को अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे, है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब टाइम हो गया 1 सेकेंड तो पोजीशन था 4 मीटर, है ना। टाइम 1 सेकेंड, देखिए ये टाइम हो गया 1 सेकेंड और पोजीशन 4 मीटर, देखिए ये पोजीशन है तो 4 मीटर, है ना। यहां से परपेंडिकुलर लेंगे, यहां से भी ये वाला पॉइंट हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो पोजीशन है 8 मीटर, टाइम 2 सेकेंड और पोजीशन 8 मीटर, तो यहां से ऐसे चलेंगे, ये वाला पोजीशन, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 3 सेकेंड है तो पोजीशन कितना है, 11, 3, 11, देखिए ये 10 है, यहां 11 होना चाहिए, इसके पैरेलल चलेंगे हम, और ये 3, ठीक है, कुछ यहां पे मिलेगा। तो ये पॉइंट्स मिल गए, अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह मिलाएंगे, देखिए यहां से स्टार्ट था, ठीक, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो ये जो लाइन यहां पे मिला आपको, है ना, ये जो पिंक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, यही है पोजीशन टाइम ग्राफ,
ए पोजिशन टाइम ग्राफ, ठीक है, ये पोजिशन टाइम ग्राफ हो गया। किसके लिए पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया हमने? इस कार के लिए, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए हम एक और ग्राफ लेते हैं, है ना। अभी हमने क्या किया, डाटा से ग्राफ ड्रॉ किया, अब हम ग्राफ से डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप देख रहे हो ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। और क्वेश्चन ये है कि एनालाइज द पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, एक्स को पोजीशन पढ़ेंगे आप, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्राफ को हमें एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट द स्टार्ट, है ना, स्टार्ट यानी कि शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा था, ठीक है, ये बताना है। फिर दो सेकंड में उसकी पोजीशन बतानी है। फिर तीसरा क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है शुरू के चार सेकंड्स में। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट फिफ्थ सेकंड, पांचवे सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और लास्टली फाइंड द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक। तो पहले तो हम इसके लिए हम डाटा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ग्राफ है, इससे हम डाटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम का कॉलम लेते हैं और एक पोजीशन का, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है पोजीशन मीटर में है, ठीक है, पोजीशन इन मीटर, और टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, ठीक। तो टाइम लेंगे इन सेकंड्स, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, जब टाइम जीरो था, ठीक, तो पोजीशन में देखिए ये ग्राफ कहां आके टच कर रहा है, जीरो पे, तो यहां टाइम भी जीरो है और पोजीशन भी जीरो है, ठीक है। तो यहां पे डाटा क्या मिला हमको कि जब टाइम जीरो है तो पोजीशन भी जीरो है, ठीक। अब देखेंगे जब टाइम एक सेकंड हो गया तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, देखिए यहां मिला, यहां से इधर खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, तो फोर में जाके मिलता है। इसके मतलब जब टाइम एक सेकंड हुआ तो पोजीशन फोर मीटर हो गया, ठीक है। टाइम जब एक सेकंड था तो पोजीशन हो गया फोर मीटर, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो जब टाइम टू सेकंड हो रहा है तो पोजीशन कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहां से इधर खींचेंगे, सिक्स हो रहा है, ठीक। तो जब टाइम हो गया टू सेकंड तो पोजीशन हो गया सिक्स, ठीक। फिर इसी तरह टाइम जब थ्री हो रहा है, थ्री, तो फिर सिक्स सिक्स मिल रहा है। कहने का मतलब है इस टाइम में ध्यान देंगे ये लाइन कैसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो जब टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो समझना कि पोजीशन चेंज नहीं हुआ, यानी कि अभी भी सिक्स ही है, ठीक। जब टाइम थ्री सेकंड है तो पोजीशन सिक्स मीटर ही है, यानी कि एक सेकंड तक वो सिक्स मीटर पे रुकता है। फिर अगले सेकंड जब टाइम चार सेकंड हो जाता है तो यहां से देखिए पोजीशन कितना मिलेगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, या आप ग्राफ पेपर में बढ़िया से कर सकते हो, देखिए अप्रोक्सीमेटली बीच में आ रहा है सिक्स और सेवन, एट, सिक्स और एट के बीच में, तो सेवन होगा। तो जब टाइम फोर सेकंड होगा तो पोजीशन सेवन मीटर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो जब टाइम फाइव सेकंड होगा तब देख लेंगे हम लोग, यहां से एट मीटर आ रहा है, ठीक। टाइम जब फिफ्थ सेकंड है तो पोजीशन एट मीटर। नेक्स्ट इसी तरह देख सकते हो, है ना। चलिए छठा सेकंड छोड़ते हैं, हम सीधा सातवां सेकंड में चले आते हैं। सेवेंथ सेकंड में जब टाइम सेवेंथ सेकंड है, अच्छा चलो सिक्स सेकंड भी ले लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहां पे सिक्स सेकंड कहां आएगा, वो इस लाइन को टच कर रहा है, यानी सिक्स सेकंड में वो फिर से छह मीटर की पोजिशन पे चला आता है। और सेवेंथ सेकंड में ये टाइम हो गया सेवन सेकंड, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे,
यहां से इधर आएंगे तो 4 मीटर 7 सेकंड में वो फिर चला आता है 4 मीटर पे। ठीक है, कहने का मतलब है ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखिए यहां पे टाइम बढ़ रहा है, ठीक टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसका पोजीशन भी बढ़ रहा है, 6, 7 पांचवा सेकंड तक तो बढ़ता है, इसके बाद टाइम तो बढ़ ही रहा है 5 के बाद 6 सेकंड, लेकिन पोजीशन घट रहा है, कहने का मतलब वो वापिस आ रहा है ना, ओरिजिन की तरफ वापिस आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह जब 7 सेकंड हो जाता है तो वो ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर रह जाता है, यानी कि और क्लोज हुआ जाता है। ठीक, तो ये तो हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब इन सवालों के जवाब देंगे। ठीक, तो फर्स्ट में क्या है, पोजिशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट द स्टार्ट। स्टार्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट कहां था, तो ओरिजिन में था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एट ओरिजिन, है ना, ओरिजिन पे था। दूसरा, पोजीशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, जब टाइम 2 सेकंड था तो पोजीशन 6 मीटर, है ना, तो लिखेंगे एट 6 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 6 मीटर की दूरी पे था। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकंड्स, शुरू के 4 सेकंड्स में मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग, है ना, इसको मिटा के यही सॉल्व करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से दिखाते हैं, हम यहां एस से लिख रहे हैं इसको। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था चेंज इन पोजीशन, है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में चेंज को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन देखिए क्या कह रहा है, 4th सेकंड, शुरू के 4 सेकंड में, तो जब 4 सेकंड पे था तो उसका पोजीशन कितना था, 6, यहां से भी देख सकते हो, सॉरी 7, है ना, 4th सेकंड में उसका पोजीशन कहां पे था, 7 मीटर, फाइनल पोजीशन हो जाएगा 7 मीटर, माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब शुरू में एट स्टार्ट उसका पोजीशन कहां था, स्टार्ट मतलब टाइम 0, और उस समय उसका पोजीशन क्या था, 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट 5th सेकंड, 5th सेकंड में ऑब्जेक्ट कहां है, तो 5th सेकंड ये रहा, 5th सेकंड में वो 8 मीटर अवे है ओरिजिन से, तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा, 4th का आंसर होगा द ऑब्जेक्ट इज एट 6 मीटर 5th सेकंड में, ना तो 8 मीटर हो जाएगा, सॉरी 8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और बिल्कुल फाइनल पोजीशन, है ना, यहां पे टोटल टाइम में हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, यानी कि हमें डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ हम बताएंगे यहां पे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन
बिल्कुल लास्ट में होगा यानी सातवें सेकंड पे, और सातवें सेकंड पे पोजीशन कितना है 4 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्ट में होगा, स्टार्ट में इनिशियल पोजीशन है 0 मीटर, तो 4 माइनस 0 कितना हो गया 4 मीटर। अब देखिए डायरेक्शन बताने हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन कौन सा लेंगे, अगर नेगेटिव नहीं आया है ना, अगर नेगेटिव आता तो ऑब्जेक्ट इधर आता, ठीक है, पॉजिटिव आया इसका मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या लिखेंगे अभी देखो क्या है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा कुछ सवाल में दिया नहीं था, तो हम लिख देंगे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, लिख देंगे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो दो ही डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं, अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, इसको शॉर्ट में एसटी ग्राफ भी कहते हैं, एस फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, ठीक है। तो चलिए ये भी देखते हैं हम लोग, पहले तो इसको डिफाइन कर देंगे, डेफिनेशन बिल्कुल पीछे के जैसा, जैसा पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने डिफाइन किया था, इफ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, देन द ग्राफ ऑब्टेंड इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और यह ओरिजिन है, यहां का वैल्यू 0 है, ये कुछ पॉइंट्स हैं इस पाथ में, एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उस ए तक आता है, फिर यहां से बी तक जाता है, फिर यहां से सी तक जाता है, फिर यहां से डी तक जाता है, ठीक है, फिर वो यहां से ई तक जाता है, फिर यहां से एफ तक जाता है, ठीक, एफ तक जाता है, फिर यहां से टर्न लेता है वो, ठीक है, एफ से टर्न लेता है और टर्न लेता है और ई में आता है, ई से फिर टर्न लेता है, फिर डी में आके वो फाइनली रुक जाता है, ठीक। शुरुआत कहां से किया उस ऑब्जेक्ट ने, ओरिजिन से, गया कहां तक, एफ तक, और फाइनली आके कहां रुक गया, डी में वो रुक जाता है, ठीक। चलिए कुछ टाइम भी लगा होगा, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक है ना, हर एक पार्ट को कवर करने में समझो उसने 2-2 सेकंड टाइम लिया, ठीक है, हर एक पार्ट को कवर करने के लिए 2-2 सेकंड टाइम लिया, 2 सेकंड्स, यहां भी उसको लगा 2 सेकंड्स, यहां भी लगा 2 सेकंड्स, यहां भी लगा 2 सेकंड्स, ठीक है, सब जगह 2-2 सेकंड लगा, रिटर्न भी आ रहा था वो, तो रिटर्न आने समय भी एफ से ई तक आया 2 सेकंड में, फिर ई से डी तक आया वो 2 सेकंड्स में, ठीक है, ये है जाने का टाइम 2-2 सेकंड और ये आने का टाइम, ठीक। चलिए
और हर पार्ट का डिस्टेंस है मान लेते हैं 5 मीटर, ठीक। ओ से ए भी 5, ए से बी तक भी 5 मीटर है, ठीक। बी से सी भी 5 मीटर, 5 मीटर, ये सभी 5 5 मीटर है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस डाटा को कलेक्ट करते हैं। हम यहां पे टाइम दिखाते हैं सेकंड में, यहां पे हम डिस्टेंस दिखाएंगे, ठीक है, वो मीटर में। कंफ्यूज नहीं करना, यहां पे एस टाइम की यूनिट है और यहां पर एस डिस्टेंस है, ठीक। तो स्टार्टिंग में वो यहां पे था, तो जब टाइम जीरो था तो उसका डिस्टेंस भी जीरो था। जब टाइम 2 सेकंड है ना, टाइम जब 2 सेकंड हुआ तो ये 2 सेकंड में एक पार्ट कवर किया यानी कि 5 मीटर, ठीक। फिर जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो इसने 10 मीटर कवर किया, ठीक है। फिर जब टाइम 6 सेकंड हुआ तो इसने 15 मीटर कवर किया। फिर इसी तरह से टाइम 8 सेकंड हुआ तो इसने 20 मीटर कवर किया। फिर जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो 25। फिर टाइम जब 12 हुआ तो 30। कितना टाइम टोटल लगता है, 2 4 6 8 10 12। फिर रिटर्न भी आ रहा है, फिर 2 सेकंड यहां आया तो और 5 मीटर वो कवर करेगा एफ से ही तक, तो हो जाएगा 35। फिर यहां से यहां तक आता है वो, ठीक है, 16 सेकंड्स। फिर 5 मीटर चलता है। तो चूंकि यहां पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसके पाथ का लेंथ लेंगे, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, लेंथ ऑफ दी पाथ। तो पाथ उसका ये बना ओ से लेके एफ तक, फिर एफ से लेके डी तक, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो चलिए हो जाएगा यहां पर भी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलग हम दिखा देते हैं टाइम को, ठीक है, टाइम दिखाएंगे सेकंड में। और ये जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस, इसके अलग हम दिखा देंगे डिस्टेंस को मीटर में। हम कोई भी एक सुटेबल स्केल चूज कर लेंगे, है ना, ग्राफ पेपर में। और टाइम एक्सिस पे हमें दिखाना होगा 16 तक, तो 16 तक दिखाना होगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहां पे 2 2 ले लेते हैं, है ना, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। फिर इसी तरह हम डिस्टेंस एक्सिस पे 40 तक है तो 10 10 करके ले लेते हैं, 10 20 30 40, ठीक। चलिए अब हम दिखाते हैं, जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है। तो ग्राफ में एक अलग कलर से बना देता हूं, ठीक। तो दोनों ही जीरो होगा स्टार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2 है, डिस्टेंस 5 है, तो टाइम 2 सेकंड, डिस्टेंस 5 5। देखिए 0 और 10 के बीच यहां कहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 4 सेकंड और डिस्टेंस है 10, तो ये देखिए यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां पे मिलेगा इस तरीके से। जब टाइम 6 सेकंड है तो डिस्टेंस 15, तो देखिए 10 और 20 के बीच में यहां कहीं 15 होगा, ठीक है। इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है, हर 2 सेकंड में 5 5 मीटर बढ़ाते जाएंगे। फिर टाइम बढ़ेगा 2 सेकंड और ये बढ़ेगा 5 मीटर, यानी 20 से 25 हो जाएगा, ये पॉइंट आएगा। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 5 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 में फिर 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ये पॉइंट आएगा। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम लोगों को एक
स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ हमको मिला, ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी को शॉर्ट में हम एसटी ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और चीज हम यही सीख लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होता डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमको खींचना रहता तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पे एक पोजीशन का भी कॉलम ऐड कर देते हैं, पोजीशन का भी हम कॉलम यहां पे ऐड कर देते हैं। तो स्टार्ट में जीरो था, ठीक है, फिर दो सेकंड में वो पांच मीटर दूर जाता है यहां से, है ना, ओ से ए तक पांच मीटर, इसी तरह पांच पांच करके बढ़ते चला जाएगा। तो 10, 15, 20, 25, 30, अब यहां पे थोड़ा क्या है, यहां पे हमें देखना है कि अभी एफ में चला गया, एफ से अब वो वापस आने लगा, है ना। तो जब वापस आने लगा तो उसका पोजीशन देखिए ओरिजिन से, क्योंकि पोजीशन में हमें रास्ते का लेंथ नहीं लेना है, पोजीशन में हमें देखना होता है कि ओरिजिन से कितना दूरी पे है वो, तो ओरिजिन से कितने दूरी पे आ गया वापस, 25 पे आ गया, तो यहां पे 25 हो गया पोजीशन। फिर अगले दो सेकंड में डी में आ जाता है, तो अब ओरिजिन से और करीब आ गया, तो अब उसकी पोजीशन कितनी बची, 25 में से 5 और कम कर दीजिए, यानी कि वापस वो 20 पे चला आया, ठीक है, देखिए 5, 10, 15, 20 डी पे चला आया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे अगर हम लोग, तो देखिए किस तरह का ग्राफ मिलेगा हमको, ठीक है। इधर हम टाइम दिखाएंगे सेकंड में, यहां एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब इधर जाने पे टाइम बढ़ेगा और यहां भी इधर जाने से डिस्टेंस बढ़ेगा। अब यहां हम पोजीशन दिखाएंगे, है ना, मीटर में, ठीक। पोजीशन का मैक्सिमम वैल्यू 30 है, तो चलिए हम यहां पे 10-10 करके ले लेते हैं, 10, 20, 30, वैसे मैक्सिमम 30 है लेकिन एक स्टेप ज्यादा भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओरिजिन में दोनों ही जीरो होगा, टाइम भी और पोजीशन भी। अब टाइम तो वही रहेगा, यहां पर भी 16 सेकंड्स लग रहा है, 2-2 करके ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। चलिए प्लॉटिंग करते हैं, 0, 0, 2, 5, 0, 0 यहां हो जाएगा, टाइम 2 और पोजीशन 5 यहां हो जाएगा, ठीक है। 30 तक तो ये बढ़ता चला जाएगा बिल्कुल इसी तरह से, फिर 4, 10, फिर हो जाएगा 6, 15, फिर हो जाएगा 20, पोजीशन 20, टाइम 8, फिर हो जाएगा पोजीशन 25, टाइम 10, फिर हो जाएगा पोजीशन 30, टाइम 12। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि 12 से टाइम 14 हो रहा है लेकिन पोजीशन 25 हो जा रहा है, तो टाइम 14 बट पोजीशन 25, वापस नीचे आना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर टाइम 16 और पोजीशन 20, ये रहा 20। तो अब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें यहां तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, और यहां भी स्ट्रेट लाइन, बट ये अब इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो भी हमने खींचा ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, शॉर्ट में इसे हम एक्सटी ग्राफ भी कहेंगे, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में फर्क क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी ये नीचे नहीं आ सकता, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी हाल में ये नीचे नहीं आ सकता, है ना, ये टाइम एक्सिस के साथ कभी टाइम एक्सिस की तरफ ये इसका स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है।
जबकि पोजीशन टाइम ग्राफ आपका ये ऊपर भी जा सकता है ग्राफ और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। देखो जब ग्राफ ऊपर जाता है तो हम कहते हैं स्लोप पॉजिटिव है ना, ग्राफ ऊपर जाता है तो हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, है ना। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो यहां पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, स्लोप के बारे में आगे बताएंगे, स्लोप पॉजिटिव। और जब ग्राफ ऐसे भागता है तो हम बोलते हैं कि स्लोप यहां पे नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ्स देखते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस ग्राफ से किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाया गया है, आइए हम इनका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है इसका मतलब ये है ना कि टाइम तो पास हो रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। पोजीशन चेंज कब होगा, जब या तो ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, ठीक। अच्छा ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। नोटेशन ध्यान देना, एस का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम, है ना, मैंने जो आपको पढ़ाया। दूसरे किताबों में हो सकता है कि वो डिस्टेंस को किसी और लेटर से दिखा रहा हो, वो क्वेश्चन में देख लेना है कि एस का मतलब डिस्टेंस है कि पोजिशन है। तो यहां भी क्या देख रहे हैं, टाइम तो पास हो रहा है ना, देख रहे हो टाइम वाला एक्सिस, टाइम इधर बढ़ता है, ठीक है। तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन इसका डिस्टेंस फिक्स है, कुछ होगा यहां से यहां तक, मान लो 10 मीटर तो 10 ही मीटर है। अगर ग्राफ ऊपर भागता तो डिस्टेंस बढ़ता, या ग्राफ नीचे आता तो डिस्टेंस घटता। वैसे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना है। तो यहां भी क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। शॉर्ट में ये जानना कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक। ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब टाइम भी पास हो रहा है और पोजीशन भी उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। जब टाइम यहां कुछ होगा तो पोजीशन उसका ये होगा, जब टाइम यहां चला आएगा तो पोजीशन ये हो जाएगा, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मोशन में है। अब मोशन में भी किस तरह का, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है, देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, तो समझ जाना वो यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म। अच्छा एक चीज, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे या यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। तीन चीजें होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ रहा तो आप कह सकते हो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ रहा तब। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहा तो आप कह सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर देखिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक। क्या हो रहा है यहां पे, कुछ देर तक देखिए टाइम बढ़ रहा है और पोजीशन भी उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि ओरिजिन से दूर जा रहा है वो, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप है तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये ओरिजिन है ओ ए, तो ओ ए जो है वो क्या दिखा रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बताना होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है ना, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव आएगा, ऊपर चढ़ता हुआ ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है। अब ए से लेकर के बी तक, यहां यहां क्या हो रहा है, वो अब वापस किधर आ रहा है, वापस वो ओरिजिन के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी पार्ट क्या दिखा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बट नेगेटिव है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, देखिए ये पोजीशन टाइम सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन दिखाता है ना, मान लेते हैं ये ओ है और ओए, तो ओए तक क्या देख रहे हैं हम लोग, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, कहने का मतलब है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, खैर एंगल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेस देन 90 अगर बने या कोई भी एंगल बने है ना, 90 से कम ही बनेगा, कोई भी एंगल बनेगा 90 से कम ही बनेगा, तो ये क्या दिखाएगा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे OA क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है, या कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। अच्छा अब ए के आगे की कहानी क्या होगी, मान लो ये बी है ए बी, तो ए बी क्या देख रहे हैं हम लोग, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो समझ लेना है कि रेस्ट में है, तो ए बी क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, ठीक, यानी कुछ दूर तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है फिर रुक जाता है। ये ग्राफ देखिए क्या है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है और स्ट्रेट लाइन भी नहीं है बल्कि कर्व है, तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व हो तो समझना ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है यहां पे, ठीक, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक। चलिए यहां आ जाइए, देख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये कर्व लाइन है, कर्व लाइन है इसका मतलब ये वाला पार्ट है ना, ओ से ए तक, ओ से ए तक हमको दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और ए से आगे मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या दिखा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब रेस्ट में है यहां तक, है ना, यानी ऑब्जेक्ट ए तक एक्सेलरेशन है उसके बाद रेस्ट में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे क्या है, नीचे जा रहा है, तो स्टूडेंट्स कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे नहीं जा सकता है, ये ग्राफ गलत है, ठीक। नेक्स्ट यहां पे फिर पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही यूनिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है ये, और ये नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है उसको हम समझ रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम अगली वीडियो में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।